नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेट नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलेश मिश्रा। जी हां दोस्तों, नागपुर महानगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नागपुर महानगर पालिकाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्षदों से मिलकर उनके तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम जो वायदे हैं, जो वायदे वो जनता से करने वाले हैं, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आज जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ कांग्रेस की जो नगर सेवक जो प्रत्याशी है वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 15 से जो है कांग्रेस की चार नगर जो प्रत्याशी वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। और उनकी बेसिकली क्या एजेंडा है, कांग्रेस का क्या एजेंडा होने वाला है आम चुनाव को लेते हुए और नागपुर महानगर पालिकाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, ये सब जानकारी हम लेते हैं न्यूज नेट नेटवर्क के माध्यम से। सर आप राजकुमार रामचंद्र कन्ना। राजकुमार साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि महानगर पालिकाओं के चुनाव जो है अभी हो चुके हैं और महानगर पालिकाओं के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि जो यहाँ पर 10 साल से मनपा में भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता यहाँ पर काबिज हुई है और जो उन्होंने उस टाइम लोगों से जो वादे किए उसमें से एक भी वादा उन्होंने अभी तक के निभाया नहीं है। उल्टा ये 10 साल का अगर अपन इसको घोटाले का नाम देंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं इन्होंने नागपुर में किए हैं, इनके महानगर पालिका में। जैसा एक मुद्दा ओसीडब्ल्यू का मुद्दा है, स्टार बस का मुद्दा है, ओसीडब्ल्यू 24/7 बोल रहा है, 24/7 का स्टार बस का है। और आज तक लोगों को कहीं सुविधा नहीं दी है इनके यहाँ पर। यहाँ नागपुर में जिस क्षेत्र से लोग चुन के आते हैं इनके कैंडिडेट, वहाँ पर महापौर बनता है वहाँ का। आज उनके स्लम में जाके देखिए कि आपको हाल ये मालूम पड़ेंगे कि वो घर में खाना बना रहे हैं और उनके बाहर गटर लाइन बह रही है, उनको नाक बंद करके और उनको दरवाजे बंद करके वो खाना बनाना पड़ता है और खाना पड़ता है। लोग इतने त्रस्त है, लोगों से जो हमको फीडबैक मिल रहा है, लोगों से जो हमको उत्साह मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत अंदर से हमारे उत्साह को और दोगुना कर रही है। आप बोल रहे हैं कि उत्साह को दोगुना कर रहे हैं, लेकिन मेरा सर आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस बेसिकली जो सर्वसामान्य जो जनता है जो आपको टिकट देने वाली है उनके लिए क्या करने वाली है इस चुनाव में, अगर आप निर्वाचन चाहते हैं? जैसे कि हमारा प्रभाग 15 जो है ये करीब करीब 59,864 मतदारों का ये क्षेत्र है और इसमें कई बड़े बड़े क्षेत्र है। यहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्या है, कई हमारे व्यापारिक क्षेत्र है जहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त बिल्कुल होना ही चाहिए। और उसके अलावा अपने यहाँ पर कई जगह पे गटर लाइन नहीं है, साफ़ सफाई के मारे तो इतना परेशानी है कि वो साफ़ सफाई की भी इनकी व्यवस्था बरोबर हो नहीं रही है और लोग बहुत त्रस्त है। लोगों के अभी इन्होंने जो पिछले 5 साल में जो टैक्स को इन्होंने बढ़ाया है, मकान के टैक्स को और पानी के बिल को, जिनके घरों में पानी का ज़्यादा वापर नहीं है उनको कई लाखों रुपए के बिल इन्होंने दिए टैक्स का है। जैसे हमारे महानगर पालिका की जो खुद की ज़मीन है, जो खुद की लीज पे ज़मीन दी हुई है, वो ज़मीन का किराया उन दुकानदारों का जिनको 340 रुपये या 500 रुपये महीना था, उनको अभी उसका 2000 गुना बढ़ा करके और उनको नोटिसेस आए थे, उसका स्टे अभी इन्होंने ऑफिसरों ने इसलिए किया है इन्होंने कि इसको अभी चुनाव तक के रोका जाए और चुनाव के बाद में जनता को कितनी बड़ी तकलीफ आने वाली है ये भविष्य का ही है। ओके, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल उठाया। हमारे साथ कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या एजेंडा है कांग्रेस का अपने चुनाव को लेकर। इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, मेरा एजेंडा ये है कि यहाँ पे जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको प्लॉट्स मिलना चाहिए, जो गंदगी है गंदगी को हटाना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। गरीब लोगों की मदद करना चाहिए ऐसा आपने बोला पट्टे वाले, लेकिन मेरा ये पहला ये सवाल है कि युवाओं में बेरोजगारी का जो सवाल है वो सबसे गंभीर है, तो आप इस कैसे देखते हैं आप इस सवाल को, कैसे क्या करेंगे आप युवाओं को रोजगार? उनको जॉब मिलना चाहिए। हाँ, और उनको छुड़ाने के लिए आप अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तीसरी प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं कि 24/7 और वुमेंस टॉयलेट की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी इसके बारे में उनका क्या कहना है? आप मुझे बताएं मैडम कि भाजपा ने पूरी तरीके से उनका अब ये चल रहा है कि 24/7 है या वुमेंस टॉयलेट की जो बात करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वुमेंस टॉयलेट का जो मैटर है वो अच्छी तरीके से या उसके फीचर से जो है वो भाजपा ले नहीं रही, तो आपको क्या लगता है? हाँ, सही समय पर ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से मैडम का जो कॉन्फिडेंस है दिख रहा है कांग्रेस की जो प्रत्याशी जो हमने बात की वो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के चलते बात करते हैं।
इस ये जो क्षेत्र है हमारा 15 प्रभाग नंबर 15, ये क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे पॉश लोकेलिटीज भी है और 10 स्लम्स भी। तो हमारा ये जो मिक्स ये जो एरिया है, इस एरिया को चारों तरफ से डेवलप करना, सभी एंगल्स में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड करना है। जैसे स्लम्स में हम आज जैसे घूम रहे हैं, हमको एक एक चीज़ मालूम पड़ रही है कि सीवेज की प्रॉब्लम है। जैसा हमारे प्रधानी जी ने बताया कि घर के बाहर सीवेज बेहतर रहता है और घर में खाना बनाना पड़ता है, उसी सीवेज के साथ में बच्चे खेलते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम आती है हमेशा। और पानी, पीने के पानी के नल बराबर प्रॉपर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुझे आपसे ये सवाल नहीं बराबर ये सवाल पूछ रहा है आपसे, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जनता ने आपको क्यों चुन लिया है? जनता ने हमको इसलिए चुन लिया है क्योंकि 10 साल से ये महानगर पालिका में भाजपा की सरकार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भ्रष्ट है। इन्होंने कोई जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। OCW का बहुत बड़ा स्कैम है, जो पानी का इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 24/7 पानी आएगा, वो पानी आ नहीं रहा है। पानी आ नहीं रहा है पर पानी के बिल 10 गुना बढ़ गए हैं। पानी का बिल बढ़ गया है। आपके जो झोपड़पट्टी में पट्टे पाटअप देने वाले करने वाले थे वो इन्होंने किया नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने प्रॉमिसेस दिया था, इवन मैं तो यहाँ तक बोलना चाहूँगा, ये महानगर पालिका का चुनाव है और इसका असर जो इसका जो आपके राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो होने वाला है, जो उन्होंने वादे किए थे मोदी जी ने, वो भी पूरे नहीं हुए, तो उसका भी उसका असर यहाँ पे हुआ है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज़ में ये गवर्नमेंट यहाँ से गली से लेकर दिल्ली तक के फेल है। तो इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि कांग्रेस के पार्षदों को चुन के दो, हमारी सरकार यहाँ पे बिठाओ, यहाँ का जो गवर्नमेंट बदलेंगी, यहाँ पे मानवा में कांग्रेस बैठेगी तो दिल्ली तक की आवाज आएगी। क्योंकि यहाँ ये बीजेपी का RSS का गढ़ है, RSS का हेडक्वार्टर है, यहाँ कांग्रेस को चुन के देना मस्ट है, ये गढ़ होना जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आप देख चुके हैं कि कांग्रेस के जो जारी प्रत्याशी जो है, 4 प्रत्याशी होते हैं, हमें यहाँ पे इंटरव्यू, कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रही है नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के लिए। मैं नीलेश मिश्रा न्यूज नेटवर्क के लिए, कैमरामैन रोशन और केशव के साथ, आप हमारा न्यूज नेटवर्क चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।